क्वेश्चन नंबर 5, हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये गिवन है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा, बताओ। कर दे डिफ्रेंशिएट हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की करनी है वैल्यू की हमें फाइंड, इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स किसका, 100 का। 100 क्या है वैसे, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारी, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, चाहो तो सेपरेट कर लो या ऐसे आंसर निकाल लो, सेपरेट कर देता हूँ ताकि समझाने में मुझे वापस से आसानी हो। प्लस तो प्लस डी अपॉन में डी एक्स एक्स इंटू वाई का प्लस डी अपॉन में डी एक्स वाई स्क्वायर का इक्वल टू में किसी कॉन्स्टेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है। इसके बाद इन्हें सॉल्व कर लो, तो पहले पावर को आगे लिखना होता है हमें, फिर एक्स पावर माइनस वन मतलब टू माइनस वन, वन ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ लिखने का। उसके बाद एक्स को करो डिफ्रेंशिएट एक्स रिस्पेक्ट में, तो वन मिलेगा, तो इनटू में वन लिखो या मत लिखो एक ही बात है, टू एक्स आ गया बस। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, है कि नहीं। यू डैश वी प्लस वी डैश यू, मतलब पहले एक्स को करो डिफ्रेंशिएट इनटू में वाई कर दो, फिर वाई को करो डिफ्रेंशिएट इनटू में एक्स कर दो। तो पहले यू डैश वी निकालते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा वन आता है, तो वन इंटू में वाई प्लस वाई को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स मिलेगा। फिर इंटू में यू, यू के हमारा एक्स है तो एक्स, फिर प्लस का प्लस पावर करो तो हमें टू वाई मिल जाएगा, ठीक है। टू हमने आगे लिख दिया, फिर पावर माइनस वन मतलब टू माइनस वन वन, फिर हमें वाई को डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब भी आपको वाई को करना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देना है, और कुछ ऑप्शन नहीं लिखने के लिए आपके पास, इतना आ गया बस। अब करना क्या होगा हमें, ये कॉमन निकाल लो डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी सब उस साइड ले जाओ जिसके पास डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में टू वाई है, तो प्लस का टू वाई इक्वल टू में इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, वन इंटू वाई है मतलब वाई ही है, वाई इधर आके माइनस का वाई हो गया, और प्लस का टू एक्स है यहाँ पे, इस साइड आके माइनस का टू एक्स हो जाएगा। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में ले आओ, माइनस वाई माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू वाई, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ओके ठीक।